पहले जमाने का मैप, ये देखो कितना बड़ा बड़ा डीप डिस्क्रिप्शन। यहाँ राज दरबार में राजा बैठा करते थे, चारों तरफ लोग बैठते थे। उस वक्त गाड़ियों में ऐसे नेम प्लेट हुआ करते थे, उस वक्त भी लोग हील पहना करते थे यार। घोड़े इतने बड़े बड़े बग्घियों को खींचते थे उस जमाने में। तोहफा का लुक बड़ा सही है, इसका कलर काफी प्रिटी है, और ये ओपन कार थी उस वक्त की। ये ड्राइंग हॉल है। Hey guys, अभी फिलहाल हैदराबाद स्टेशन के बाहर हूँ और आज थोड़ा घूमने निकली हूँ सिटी। तो आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या करती हूँ आज पूरे दिन में, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना 6 बजे है, तो काफ़ी वक्त मिला है। और यार यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी सही, यहाँ पर चाय वगैरह मिलती है, खाना पीना भी काफ़ी बेहतर है। तो जाते हैं पहले तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं। ऐसे 12 बज रहा है बट स्टिल अभी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। फिलहाल यहाँ लिए कॉफ़ी एंड वन सैंडविच। चाय यहाँ की काफ़ी अच्छी रहती है, कॉफ़ी भी कमाल है। 30 रुपीज़ खाना है क्या तुझे? यार खा पी के अब निकल चुके हैं स्टेशन से ऑर्डर पकड़ के चौमहल्ला प्लेस के लिए, जो कि चार मीनार के अगल बगल ही पड़ता है, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा फेमस है चौमहल्ला के। मैंने फ़ोटोज़ देखे थे मैप पर, एक नंबर जगह है। देखते हैं वहाँ का क्या सीन होता है। फिलहाल अब देखो हैदराबाद एरिया, और यार चौमहल्ला तक जाने का 130 लग रहा है अभी तो फिलहाल में। ऊपर में गांधी भवन मेट्रो स्टेशन है, पूरा मेट्रो का लाइन है। हम लोग पहुंच चुके हैं चौमहल्ला प्लेस के अंदर वाले एरिया में, मतलब अभी और अंदर जाना बाकी है। ऑटोज वगैरह हमने हमें यहीं पर रोक दिया। गेट देखो आप कितना बड़ा सा है, यहाँ पर कोविड का इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि विदाउट मास्क नो एंट्री अलाउड। ये इतना खूबसूरत सा महल और इसके अगल बगल का एरिया, यहाँ का खिड़की का साइज देखो आप, एक इंसान के साइज का होगा, कुछ काफ़ी बड़ा बड़ा सा है। पहली बार कोई महल देख रही हूँ, अच्छा सा लग रहा है यार। ये वाला तो क्लॉक टावर है। चारों तरफ का एनवायरनमेंट देख रहे हो, काफ़ी बड़ा सा एरिया है, बहुत खूबसूरत सा है। लगभग 2-3 घंटे लोग कहते हैं कि लग जाता है घूमने में, देखते मुझे कितना वक्त लगता है यहाँ। ₹100 का नोट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, 2 रुपये, 1 रुपया, एंड दिस वन इज़ रियल गोल्ड कॉइन। अभी हम लोग हेरिटेज आर्ट वाले सेक्शन में हैं, जिसमें कि पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई होती थी ना, पहले ज़माने में तो फ़ोटोज़ होते नहीं थे हमारी तरह। और ये देखिए, इसको बस रेस्ट के लिए जगह मिलना चाहिए। अच्छा जगह बैठे हो। यहाँ से राज दरबार देखा जा सकता था, राज दरबार का जो व्यू है ना मनमोहक है, ईच एंड एवरीथिंग की कारीगरी हो चाहे कुछ भी। यहाँ राज दरबार में राजा बैठा करते थे, चारों तरफ लोग बैठते थे, रानियाँ जो है इन सब के द्वारा देख सकती थी शायद, जैसा मुझे लगता है, जैसा मूवीज़ में देखा है मैंने, ऐसा लगता था राज दरबार 1937 सिल्वर जुबली। उस टाइम का वीडियो कितना अजीब सा था ना, हिलता हिलता। हाँ काफी बड़े बड़े ये रहते थे मशीन्स। ये पूरे एरिया में कटलरीज है, इंग्लैंड के कप प्लेट। हाँ ब्लू क्रॉकरी,
मेड इन बेल्जियम, मेड इन जापान। ये वुमेन जैकेट एंड जैकेट में काम देखो, आइटम्स से पूरा भरा हुआ है। ये हैंडीक्राफ्ट्स, तोहफा का लुक बड़ा सही है। डिज़ाइन मेड इन जर्मनी का स्लीपर है, उस वक्त भी लोग हील पहना करते थे यार, गजब। पहले ज़माने का मैप, ये देखो कितना बड़ा बड़ा, डीप डिस्क्रिप्शन। शांति भरा माहौल था अंदर यार, इसलिए आप लोग से बातें नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा बैठते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, सबसे फर्स्ट में सामने जो दिखता है गेट एंट्री मारते के साथ ही, इसके अंदर ही अभी हम लोग घूम रहे थे। अभी जाएंगे पीछे साइड पर, और भी चीज़ें हैं। ये है फेमस क्लॉक टावर, जो कि लगभग 100 सालों से चल रही है, और यहाँ पर पहले लोग आते थे अपना घड़ी का टाइम मिलाने के लिए। चाहे जगह कोई भी जाओ, कबूतर हर जगह नजर आते हैं। ये पीछे साइड आए हैं अभी। आदित्य ये लड़का घूम घूम के खुश है। आज धूप है बट गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, हवाएं चल रही है ना इस वजह से। वाह कमाल का एरिया है। जा रहे हैं हम लोग आफ्ताब महल, अफजल महल और विंटेज कार्स देखने के लिए, जो कि इस एरिया में है। जाओ 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 जाओ, मुझे कुछ मत करना। ये है तहनियत महल। अंदर में महलों की कमी नहीं है। ये वाली है बग्घी। गाइस देखिए अभी मैं कहाँ हूँ, आइसक्रीम के कोन वाला पेड़। ये सब जो लुक देखते हैं ना, लगता है कि कहीं अलग ही जगह आ चुके हैं। आई डोंट नो एंट्री अलाउड भी है या नहीं, पर दरवाज़ा खुला है तो अंदर तो जाएंगे। रानी महारानी के आभूषण, आफ्ताब महल में सारे जो भी वस्त्र वगैरह वो लोग पहनती थी, रानी महारानी राजा लोग, वो सारे रखे गए हैं। एंड इस साइड बग्घी को शोकेस किया गया है। काफी अलग से लग रहा है यार, एकदम मूवी में देखा था जैसे, डिट्टो वही है। ये पैक वाली बग्घी है, ये ओपन बग्घी है। एक ऐसी वाली बग्घी भी रखी हुई है। ड्राइंग हॉल है, इस साइड क्या है? अच्छा ऊपर में आई थिंक रेसिडेंशियल एरिया था ये शायद, या पता नहीं क्या। यहाँ पर इस तरह लॉक लगा हुआ है तो अंदर जाके देख नहीं सकते हैं, अदरवाइज कुर्सी पे बैठ के देखते हैं। बड़ा रॉयल्टी को फील करते यार, यहाँ से क्या नज़ारा होगा ना, मतलब इतना बड़ा सा महल है देखो। वाह कमाल का है। ओ ऊपर ये नजारा, विंटेज कार, बग्घी खाना, वो एरिया है इधर। अंदर ही अंदर तीन सेक्शन में बटा हुआ है ये एरिया, तो ये तीसरा एरिया में मैं आई हूँ। और कार्स दिख रहे हैं मुझे, आपको शायद चमक की वजह से नहीं दिख रहा होगा। छोटे छोटे घर भी इतने खूबसूरत हैं यार, मेरे को तो एक घर भी मिल जाए तो मैं आराम से सुकून से रहूं। ओ कितना खूबसूरत है ये, वाओ रॉयल वाला फील।
उस वक्त गाड़ियों में ऐसे नेम प्लेट हुआ करते थे, किंग कोठी हैदराबाद। उसका कलर काफी प्रिटी है और ये ओपन कार थी उस वक्त की। वाओ, इसका नाम था वोल्सले। यहाँ मोटरसाइकिल रखे हुए हैं जो कि बहुत बहुत पुराने हो चुके हैं। ये वाला मोटरसाइकिल के साथ एक और जो बैठने वाला रहता था ना, वो है कंपनी नेम। अच्छा, कंपनी नेम इंडियन रखा हुआ है। अच्छा, इधर वाली जो जिप्सी हम लोगों ने देखी है, ये वाली नहीं देखी है, विली नहीं, विलेक्स। और ये है निसान। और अगेन बग्घी कितनी बड़ी बड़ी होती थी यार, घोड़े इतने बड़े बड़े बग्घियों को खींचते थे उस जमाने में। ये उद्यान है, पार्क। तो अब मैं पूरा घूम फिर करके आ चुकी हूँ और ये आदित्य यहीं बैठा हुआ है। तो बस जो था सब कुछ मैंने दिखा दिया, खुद भी घूम लिया। इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। समय हो चुका है 3, यहाँ पर एंटर किए थे वही 12:30 में। 3 घंटा लगभग लग जाता है यार पूरा घूमने का, क्योंकि हर एक एरिया में आपको 1-1 घंटा देना होगा। तो आराम से जब भी वो टाइम एक्स्ट्रा आप यहाँ आकर के घूम सकते हो, अच्छी जगह है। और बगल में ही 4 मीनार है, और ज़्यादा टाइम हो तो 4 मीनार भी घूम लो। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।